हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आप करेंगे अप्रोचेस टू असेसमेंट एंड काउंसलिंग बुक टू, और बुक वन मैंने करा दी है, बुक टू की तरफ चलते हैं। तो यूनिट वन है इसमें, सबसे पहला है इंटरव्यू, केस हिस्ट्री एंड टेस्टिंग। तो सबसे पहले है इंटरव्यू क्या होता है। इट इज अ मेथड फॉर गैदरिंग डाटा और इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल। आप किसी के भी बारे में एक डाटा कलेक्ट करते हो, गैदर करते हो इन्फॉर्मेशन, उसको हम इंटरव्यू बोलना कहते हैं। और ये कपलन ने डेफिनेशन बताई थी। और उसके अलावा एक इंटरव्यू होता है एक कॉन्वर्जेशन विद अ पर्पज। आप बिना किसी पर्पज के इंटरव्यू नहीं करते हो, या फिर मतलब बातें नहीं करते हो। और रैपो एंड रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट इज एसेंशियल, क्योंकि अगर आप एक रैपो एस्टेब्लिश नहीं करोगे तो अगला आपके साथ में खुलेगा नहीं, और ना ही आपको आंसर देने में इंटरेस्टेड होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है इसमें। वैलिडिटी ऑफ इंटरव्यूज असेस्ड, कि आप जैसे अगर किसी शेफ के पास में उसका इंटरव्यू लेने जा रहे हो तो आप उसको ये नहीं पूछ सकते हो कि और क्या बोलते हैं तुमने क्रिकेट के बारे में पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, जो उसका फोटो है आप उसी चीज में उससे आंसर या क्वेश्चन पूछोगे। रोल ऑफ इंटरव्यू एंड इंटरव्यूअर इज असाइंड। रोल असाइंड होता है कि हम आपसे ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे और आपको इनका आंसर देना होगा और इस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इंटरव्यू की। एटीट्यूड ऑफ इंटरव्यू एंड इंटरव्यूअर, जो एटीट्यूड होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये इंटरव्यूअर को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा उससे क्वेश्चन पूछने में, यार तो बोर कर रहा है, कितने बेकार बेकार आंसर दे रहा है यस नो में। और जो इंटरव्यू दे रहा है उसको भी इंटरेस्ट आना चाहिए, उनका ऐसे नहीं लगना चाहिए कितने बेकार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब इससे बकवास क्वेश्चन तो मैंने ऐसे सुने ही नहीं है। ठीक है, दोनों को इंटरेस्ट आना चाहिए, कॉन्वर्जेशन इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर एटमोसफेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आसपास है चूं चा पीपा होने पे लगी हुई। ठीक है, इंटरव्यूज इफेक्टिव रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स आपका इफेक्टिव होना चाहिए, मेजरिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और कार्ल रॉजर ने पर्सन सेंटर्ड अप्रोच में इसमें टेक्निक्स बता रखी हैं कि आप अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ में कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो आप इसमें वो भी बता सकते हो। ठीक है, और जो आपकी रिकॉर्डिंग होना चाहिए वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मतलब कि आप रिकॉर्ड करते रहो साथ में जो भी आपका इंटरव्यू, बेशक उसको लिख के करो या फिर आपका ऑडियो वगैरह जिसमें आप सुन सकते हो उसमें करो, टेप रिकॉर्डर वगैरह में। ठीक है, इंटरव्यू डिफरेंट देन कम्युनिकेशन इंटरव्यू, बट ऑफकोर्स कम्युनिकेशन से डिफरेंट होते हैं। कम्युनिकेशन तो आप किसी के भी साथ में कर लेते हो और वो डजेंट मैटर की छोटी बड़ी है, बट जो इंटरव्यू होता है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होता है, और मतलब आपने डिसाइड कर रखा होता है कि हाँ आप इनका इंटरव्यू लेने जा रहे हो, और उसके उसमें से आप जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो वो सारी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, टाइप्स क्या क्या होते हैं इंटरव्यू के। स्ट्रक्चर्ड, जिसमें क्वेश्चन आपके पास में पहले से होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड जिसमें आपके पास में नहीं होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड दोनों का मिक्सचर होता है, और इनटेक वाला होता है जो भी आपकी फर्स्ट मीटिंग होती है ना थेरेपिस्ट से, उसको हम इनटेक इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, केस हिस्ट्री इंटरव्यूज, जो भी केस हिस्ट्री वाले इंटरव्यू होते हैं वो सारे के सारे काफी इनडेप्थ होते हैं। केस हिस्ट्री से तुम समझ जाओ, हिस्ट्री का मतलब है कि पहले से बताओ, जब अगर किसी बच्चे के बारे में है ना, जैसे मान लो कोई बच्चा 7th 8th में है और उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो उससे ये नहीं पूछेगा कि मतलब आपको बताओ कल परसों आपने क्या खाया था, वो उसको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेगा उससे पेरेंट्स से कि जब बच्चा पेट में था तब भी कोई ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से बच्चों पे इफेक्ट आया था। क्योंकि मोस्टली कभी कभी ऐसे भी होता है कि कुछ बच्चे प्री मेच्योर पैदा हो जाते हैं या फिर बर्थ के टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है जिसकी वजह से बच्चों पे इफेक्ट आता है। ठीक है, ये होता है इनडेप्थ डिटेल। ठीक है, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन वगैरह भी सारे के सारे लोग रेफरल पूछोगे आपके, आपको किसने रेफर करा है, और प्रॉब्लम के बारे में पूछोगे कि ये स्टार्ट कब से हुई थी, ड्यूरेशन कब की, और या फिर कितना इम्पैक्ट पड़ा है इसका, और मेडिकल हिस्ट्री पूछोगे कि अगर आपने पहले कहीं पे टेस्ट करवाया वगैरह और उन्होंने आपको क्या क्या मेडिकेशन दी थी, ये सब। पर्सन इंटरेस्ट और उसका एटीट्यूड पूछोगे टुवर्ड्स लाइफ एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, MSE भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आगे बता दूंगी मैं। मतलब ये बेसिक आप मेंटल लेवल पर टेस्ट करते हो कि मतलब मान लो तुम्हारे पास एक क्लाइंट आया और उसने बहुत तुम्हारे को अपनी स्टोरी बता दी कि भाई साहब मेरे साथ यही हो गया, पर तुमको बाद में पता चला कि उसको तो कहानियां बनाने में मजा आता था और यही उसका फोटो टाइप था, कि मतलब उसको डिसऑर्डर है बट उसको वो डिसऑर्डर नहीं है जो उसने तुमको कहानियां बताया, कहानी बनाना ही उसका डिसऑर्डर है। ठीक है, तो आप इसलिए आप मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी करते हो। केस हिस्ट्री का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आप डाटा आइडेंटिफाई करते हो, नेम, सेक्स, एज, स्कूल, एजुकेशन वगैरह, फिर आप प्रॉब्लम लिखते हो। एक तो जो प्रॉब्लम है आपको क्लाइंट ने बताई है अगर क्लाइंट अकेला आया है, बट अगर क्लाइंट के साथ में कोई और आया है ना तो आप उनके थ्रू भी प्रॉब्लम सुनने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप एज अ काउंसलर सिर्फ एक साइड की स्टोरी पे बिलीव नहीं कर सकते हो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मे बी जो क्लाइंट है आपसे पहले बारे में खुले ना और कुछ कुछ छुपाए अपने बारे में। ठीक है, तो उसके साथ में जैसे अगर पेरेंट्स आए हैं, फिर बच्चे होते हैं, बच्चे अपनी बात पूरी बता नहीं पाते हैं और पेरेंट्स फिर ढंग से उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो इसलिए आपको अदर्स से भी प्रॉब्लम उसकी पूछनी चाहिए।
फिर है ड्यूरेशन ऑफ प्रॉब्लम, उससे पूछो कि आपको प्रॉब्लम कब से है और इंटेंसिटी कब से है, ये तो आपको सबसे पूछना है कि कितने टाइम से है, कितना इम्पैक्ट दिया है, और इसके अलावा जो भी आपने बातें करी है प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। फिर है पर्सनल हिस्ट्री, आपका बर्थ एंड डेवलपमेंट, वही मतलब आपका कैसा था जब स्टार्टिंग का था आपका, स्कूल की हिस्ट्री अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई या फिर चोट वोट लगी हो, मेडिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इमोशनल डेवलपमेंट वगैरह, ये सब आपका कैसा हुआ है, ठीक है। प्री मॉर्बिड पर्सन मतलब कि जो जब आपको प्रॉब्लम नहीं थी उससे पहले आप कैसे थे, ठीक है। प्री मॉर्बिड का मतलब ये होता है क्लाइंट्स की फैंटेसी क्या है और सेक्सुअल हिस्ट्री अगर कुछ है तो, वो ये सब आपका पर्सनल हिस्ट्री के अंदर आता है। फिर आती है आपकी फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री का मतलब है कि आपका रिलेशन क्या है, उसकी एज क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके अलावा इसमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है, रिलेशनशिप विद पेरेंट्स और इंटर पर्सनल रिलेशनशिप, मतलब आपस में फैमिली में दूसरे के साथ में किसका कैसे रिलेशन है, ठीक है, इसको फैमिली कॉन्सिलेशन कहते हैं। ये रहा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसमें आपका सब्जेक्ट होता है बिहेवियर, थॉट, स्पीच, परसेप्शन, और सबसे पहले इसमें होता है हायर मेंटल प्रोसेस, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं, मेमोरी, अटेंशन, कंसंट्रेशन, इनसाइट वगैरह टेस्ट करते हैं, ठीक है। और फिर आता है आपका साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपका टेस्ट लिखा होता है, आपके रॉ स्कोर्स होता है, आपका स्टैंड स्कोर होता है और उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, इसमें आपका इससे डायग्नोस होता है और आपका प्रोग्नोसिस होता है, प्रोग्नोसिस मतलब कि चांसेस कितने रिकवरी के वो सब, ठीक है। और लास्ट में होता है आपका काउंसलिंग डिजाइन, चॉइस ऑफ थेरेपी आप प्लान करते हो काउंसलर के साथ में और सॉरी क्लाइंट के साथ में, ये सारा आपका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का वो है कि आप कैसे करोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर ले पाए तो। फिर है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग देखो हमने पहले पढ़ा था ना, दोबारा से आ गया है, ठीक है, तो मैं बस थोड़ा बहुत बता देती हूँ क्यों है क्या है, जो मतलब उसमें मिस हो रखा है वो बता रही हूँ। वही टेस्ट क्या होता है, टेस्ट इज अ मेजरमेंट टेक्निक टू क्वांटिफाई बिहेवियर और एड इन द अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर। गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, एनेस्तासी एंड अरबानी ने 2003 में कहा था कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट अच्छा वो होगा जो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एसेंशियली एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ अ सैंपल बिहेवियर। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट एक ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड मेजर टेस्ट करेगा एक सैंपल बिहेवियर के, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब है कि जो आपका प्रोसीजर है वो यूनिफॉर्म होता है, ऐसे नहीं होगा कि आप एक के साथ में 7 स्टेप यूज कर रहे हो और दूसरे के लिए सिर्फ 2-3 स्टेप यूज कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले जो आपका क्राइटेरिया, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, और मतलब जैसे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका जो आईक्यू है 90 से 109 तक ही जो भी क्राइटेरिया में आता है उसी में आएगा, ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे जिसका 90 आईक्यू आ रहा है वो बेवड़ा है और जिसका फॉरन में 90 आ रहा है वो बहुत बुद्धिमान है, ठीक है। रिलायबल होना चाहिए, मतलब कि आपका जो स्कोर है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप किस एक टेस्ट में बोल रहे हो 2 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे में बोल रहे हो 3 से मल्टीप्लाई करो। वैलिड होना चाहिए कि जो भी वो कर रहा है, जैसे अगर इंग्लिश का टेस्ट है तो इंग्लिश ही चेक करेगा, ठीक है। नॉर्म्स टेस्ट के क्लियर होने चाहिए कि आप चीटिंग वगैरह नहीं करनी और जो भी आपके जो मतलब जो नॉर्म्स होते हैं बेसिक यार समझ जाओ। और लास्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, आपका जो प्रोसीजर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। खत्म। यूनिट 2 इज अप्रोचेस टू काउंसलिंग, साइकोडायनेमिक एंड कॉग्निटिव अप्रोचेस। सबसे पहली है फ्रूडियन साइकोडायनेमिक थ्योरी, ये तो तुमने बहुत बार पढ़ ली है, तो इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है मेंटल लाइफ, ये आपको मिल जाएगा MAPC 021 में, जो सबसे पहले मैंने बताया था उसमें Book 1 Lesson 3 थ्योरेटिकल अप्रोच टू काउंसलिंग साइको एनालिटिकल अप्रोच फ्लूइड की, ये सारी ठीक है बेसिक्स मैंने उसमें लिखे हुए डिटेल में और यहाँ पे भी मैंने समझा रखा है। सबसे पहले है फ्रूडी साइकोलॉजिकल थ्योरी, उसको तुम 5 पार्ट में डिवाइड कर लो। सबसे पहला पार्ट है जिसमें मेंटल लाइफ के बारे में बात करता है कि ये 3 पार्ट्स में आती है, इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। उसके बाद है इंस्टिंक्ट्स, दो उन्होंने इंस्टिंक्ट्स के बारे में बताया था, इरोज और थेनोस। इरोज होता है लाइफ, थेनोस होता है डेथ, मतलब कि आपके 2 इंस्टिंक्ट्स होते हैं, एक जो लाइफ से रिलेटेड होते हैं जो भी आपको अच्छे आपके जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो, थेनोस होता है डेथ, जो भी आपके नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स वगैरह होते हैं उस चीज से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, डिप्रेसनेस, सैडनेस वगैरह से। सी होता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म, आप इन 6 तरीके से अपना डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करते हो, जैसे कि रैशनलिज्म। रैशनलिज्म का मतलब होता है कि अगर जैसे आपके पास में कोई क्लाइंट आ रहा है तो वो आप कुछ ऐसी अपने मनगढ़ंत बातें बता रहा है, ठीक है, तो आप उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हो कि नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ये बात है, तो वो आपको रैशनल रीजंस देता है अपने इरेशनल लॉजिक के, ठीक है, ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो वो अपनी जो उसकी बात वैलिड नहीं है उसको वैलिड प्रूफ करने के लिए आपको कुछ रैशनल बातें बताता है, ठीक है, तो ये हो गया रैशनलिज्म। फिर है सेकंड रिप्रेशन, रिप्रेशन होता है अनवांटेड या फिर अनएक्सेप्टेबल थॉट, फीलिंग, मेमोरीज, जो आप अनकॉन्शियस में पुश कर देते हो क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि उनका इम्पैक्ट आपके प्रेजेंट पे पड़े, ठीक है।
और थर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो भी आपका इमोशनल रिएक्शन है, आप किसी एक इंसान की वजह से अगर आप इमोशनली अनस्टेबल हो तो आप उसको शिफ्ट कर देते हो किसी और सिचुएशन में या फिर किसी और बंदे में, ठीक है, क्योंकि आप अपना एंगर इतना ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए आप इसको मतलब जैसे अगर आपको कोई आपका फैमिली मेंबर आपको थप्पड़ मारा, पापा ने आपको थप्पड़ मारा, तो आप पापा को तो मार नहीं सकते हो, तो आप क्या करोगे, आप अपने छोटे भाई को लताड़ दोगे, ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है टू गेट रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी, पर्सन एट्रीब्यूट द सोर्स एंजाइटी टू एक्सटर्नल वर्ल्ड रेदर देन इज ओल्ड फॉल्ट। मतलब कि रेदर देन सेइंग कि मुझे उससे नफरत है, आप ये कह देते हो कि उसको मुझसे नफरत है, ठीक है, मतलब आप अपने ऊपर नहीं लेते, आप अगले के ऊपर डाल देते हो। फिफ्थ इज इंट्रोजेक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि जैसे जो भी हमारे पेरेंट्स वगैरह, जैसे अगर आपके पेरेंट्स नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप भी नेचुरली वेजिटेरियन बन जाओगे, ठीक है, मतलब वो बाद में बात आती है कि आप दोस्तों के साथ में रह के शुरू कर देते हो या फिर बंद कर देते हो, बट बेसिक जो यही होता है, जो पेरेंट्स के बिलीफ होते हैं वही बिलीफ हमारे होते हैं। जैसे जैनी में जैनी का बच्चा जैनी होगा, पंजाबी का बच्चा पंजाबी होगा, जाट का बच्चा जाट होगा, ठीक है। फिर है रिएक्शन फॉर्मुलेशन। रिएक्शन फॉर्मुलेशन होता है अपोजिट डेवलपमेंट ऑफ अपोजिट फीलिंग्स और बिहेवियर देन वन्स ओन। मतलब कि जैसे कि अगर आपको गुस्सा आ रहा था तो गुस्सा आपका प्यार में बदल जाएगा, और अगर आपको किसी से नफरत हो रही थी तो आप उसके लिए अच्छा फील करना शुरू कर दोगे, ठीक है, ये रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। डी है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो ये इसकी थ्योरी है फ्रूड की। फ्रूड ने 5 स्टेजेस दी थी और ये साइकोसेक्सुअल है तो ये इसी चीज से रिलेटेड थी, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे बच्चा होता है, सबसे छोटा होगा, बर्थ से लेकर 18 मंथ का होता है, तो ओरल स्टेज थी है जिसमें उसका जो प्लेजर होता है वो माउथ से आता है, ठीक है। जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उससे बच्चा सक कर रहा होता है, थम्स वगैरह सक करता है, अपना टो वगैरह सक कर रहा होता है, तो उसका जो प्लेजर होता है वो माउथ से आता है। सेकेंड इज एनल। एनल में 18 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक की एज होती है, इसमें बच्चे का जो प्लेजर होता है वो एलिमिनेशन से आता है, मतलब कि जो भी वो स्टूल वगैरह पास कर रहा है उस सबसे आता है, ठीक है, यूरिनेट कर रहा है वो सब। थर्ड है फेलिक। फेलिक में जो बच्चे का प्लेजर होता है वो थोड़ा हट जाता है, और उसमें ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हो। ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स मैं आपको समझा चुकी हूँ। ऑडिपस होता है कि जब जो लड़का होता है वो सेम सेक्स, मतलब कि उसका फादर उससे हेट करता है और उसकी मदर की तरफ में वो अट्रैक्ट होता है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें जो लड़की होती है अपने फादर से अट्रैक्ट होती है और मदर को हेट करती है, सेम सेक्स को हेट करती है, ठीक है। ये 3 to 5 ईयर्स की एज में होता है। फिर फोर्थ स्टेज लेटेंसी स्टेज होती है, जो होती है 5 से लेकर प्यूबर्टी तक। इसमें जो आपका प्लेजर होता है वो सेक्सुअल चीजों से आता है, मतलब मास्टरबेशन वगैरह से, और लास्ट स्टेज होती है कि जेनाइटल, जिसमें आप जेनाइटल से ही प्लेजर लेते हो, जो मेन आपका सेक्सुअल पार्ट होता है, और प्यूबर्टी से लेके एंड ऑफ लाइफ तक यही आपका प्लेजर में चलता है, ठीक है। इसके बाद है ई थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में आपकी 3 चीजें आ गई, इड, ईगो, सुपर ईगो। जो आपकी इड होती है वो होती है अनकॉन्शियस, ईगो होती है कॉन्शियस, और सुपर ईगो होती है सबकॉन्शियस, ठीक है। इड होती है जैसे कि मान लो आप रात को इंस्टाग्राम चला रहे हो और आप उसे खाना देख ले तो आपको भूख लगने लग गई, ठीक है, तो आपका इड बोलता है चलना यार कुछ खाते हैं, चलना यार कुछ खाते हैं, 3 बज रहे हैं यार रात के पर, चलना यार कुछ खाते हैं, ठीक है, ये होता है आपका इड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ईगो। ईगो होता है आपका कॉन्शियस, जो ये कहते हैं कि पागल वागल है, 3 बजे कौन बनाएगा रात को खाना, बना लेगी अपना आप, ठीक है, ये होती है आपकी रियलिटी, ठीक है। और ईगो ही आपका जो रियलिटी, जैसे कि जो हंग्री पर्सन हैज टू ईट टू रिलीज टेंशन। जो इड होता है आपका बेसिक, इसका काम ये होता है कि आप प्लेजर फील करो, टेंशन या पेन ना फील करो, ठीक है, किसी भी चीज में, मतलब खाने के अलावा कोई भी चीज है, जैसे कि अगर आपको गर्मी लग रही हो तो आपको पंखा चलाना है, और ये आपके मतलब सबकॉन्शियस में आ रहा है, ठीक है, तो फिर आपका उसका कॉन्शियस एक्टिव होता है कि आप फैन ऑन करते हो, ठीक है। और ईगो होता है आपका जो होता है प्रैक्टिकल, की रियलिटी पे जो चल रहा है वो सब, और जैसे कि अगर आपको भूख लग रही है तो आपको अपनी टेंशन खत्म करने के लिए खाना खाना पड़ेगा, तो आप खाना खाते हो, ठीक है, ये हमारे बेसिक इस तरह से काम करता है। और सुपर ईगो होता है आपका सबकॉन्शियस, जो हमारे सोसाइटी ने बना रखा है, जैसे कि आप सोसाइटी में सोशलाइजेशन करते हो, आपकी फैमिली ने जब को बना रखा, जो आपका ऐसा रिएक्शन है जो सबकॉन्शियसली आप दिखाते हो दुनिया वालों के आगे, ठीक है। उसके बाद इसमें बात करी है न्यू फ्रूडियन साइकोडायनामिक थ्योरी की, कार्ल जंग ने दी थी। कार्ल जंग की भी मैंने पीछे बात करी हुई है, तो कार्ल जंग की थ्योरी से मुझे ज्यादा कुछ पसंद आई नहीं है, मैं तो सोच रही हूँ इसको छोड़ के चली जाऊं, बट अगर आप लोगों को इसके नोट्स लेने तो आप ले सकते हो।
मेरे को उसको समझाने का मन नहीं, क्योंकि मुझे खुद ही समझ नहीं आई। ईगो, पर्सोना, शेडो, एनिमा, एनिमस और सेल्फ वगैरह की बात करी हुई, मतलब वैसे समझने वाली है पर मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो। 3, 2, 1 हो गया, ठीक है। मोटे तौर पे उन्होंने ये बोला था कि रिसाइकिल होती है कॉम्बिनेशन होती है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कॉन्शियस की, और बोला था कि पर्सनैलिटी इन्हीं सबसे बन रखी होती है, जो ये है आपके ईगो, पर्सोना, शैडो, एनिमस और सेल्फ वगैरह, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि साइकोलॉजिकल टाइप्स वगैरह होते हैं वो हर एक, मतलब हर एक के लिए एक होता है, 8 टाइप्स होते हैं जिसमें एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट टाइप होता है। बस अपने आप देख लो ना भाई, सॉरी। उसके बाद ये अल्फ्रेड एडलर ने भी बताया था, ये भी मैंने आपको एमपीसी 021 बुक 1 के चैप्टर 3 में बता रखा, थ्योरीज हैं जो उसमें दे रखे हैं। और इसमें उन्होंने उसमें बस मैंने यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं करी हुई जो उन्होंने इस चैप्टर में बता रखी है कि प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करोगे, फिर आप एक्सप्लोर करोगे इंडिविजुअल के डायनेमिक्स को, फिर आप एंकरेज करोगे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट को, फिर आप उनको हेल्प करोगे रीओरिएंटेशन देने में, और उसके बाद आप एंकरेज करोगे जो प्रोसेस है जिस तक क्लाइंट करे, और चेंज करोगे और सर्च करोगे न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो भी आपको क्लाइंट को समझानी है, ठीक है। जो यूनिट 3 है ना वो इतनी ज्यादा लेंदी है, तो ज्यादा लेंदी है कि भाई साहब तुमने वो पहले से ही कर ली है। पर्सन सेंटर्ड अप्रोच के बारे में बात कर रखी है, जो एमपीसी 021 बुक 1 के चैप्टर 3 में ही कार्ल रॉजर की मैंने बता रखी है, ये आपको वीडियो में मिल जाएगी। देखो मैं फिर भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ कैसी दिखती है पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। ये रही पर्सन सेंटर्ड अप्रोच गिवन बाय कार्ल रॉजर 1940s, ठीक है। आप ये वीडियो से देख लेना। यूनिट 4, डेविड एब्सटन ने बताया था द नैरेटिव अप्रोच टू असेसमेंट एंड काउंसलिंग। नैरेटिव अप्रोच क्या होती है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। इसका मतलब कि जो मैंने कहानी बनाने वाली बात बोली थी ना वो इसी में, जैसे कि मतलब आपके पास में कोई क्लाइंट आएगा और वो अपनी कहानी आपको सुनाने लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो अप्रोच होती है वो कहानी सुनाने से ही रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, आप अगले की कहानियां सुनते हो और उसमें से आप उसको उसकी इनसाइट निकालने की कोशिश करते हो कि अच्छा जैसे किसी कहानी बहुत सैड है तो आप समझ जाओगे कि वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में दुखी है और इसीलिए उसको ऐसी सारी की सारी बातें इम्पैक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करते हो, लिसनिंग टू स्टोरीज और द की बिलीफ जिसके आसपास कहानी घूम रही है उससे फोकस करो, और पीपल आर एक्सपर्ट्स। अच्छा इस जो थ्योरी है उसके एजम्पशंस क्या क्या है, पीपल आर एक्सपर्ट्स हु कैन हैंडल देयर ओन लाइव्स एंड प्रॉब्लम्स। ये थ्योरी ये कहती है कि बजाय हम उनको ये बोलें कि आपकी प्रॉब्लम ये है और उसको ऐसे सॉल्व करना है, आप ये कर सकते हो कि आप उनसे कहानी सुनो और उसी कहानी के जरिए आप उनको उनकी मदद करने की कोशिश करो, ठीक है। तो वो अपने आप ही उससे निजात पा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उनको स्पेसिफिकली बताना है कि सुनो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे ही इसका सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। व्यूज प्रॉब्लम्स एज सेपरेट एंटिटीज टू पीपल assumes that individual has skills experiences that will help them to tackle the problem. Aim is to help the client realize what forces are influencing their life due to focus on negativity or positivity. ठीक है, क्लाइंट को हमको ये बताना होता है कि आपने जो स्टोरी लिखी है ये किस वजह से आपने किसके आसपास से घूम रहे हो और आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो, ठीक है, उसकी वजह वगैरह, ठीक है। स्टोरीज इन अ नरेटिव कॉन्टेक्स्ट आर मेड अप ऑफ इवेंट्स लिंक्ड बाय द थीम अकरिंग ओवर टाइम। जो भी आपका जो क्लाइंट है वो आपको स्टोरी बता रहा होता है वो किसी एक कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड होती है जो पाइलअप होता रहता है और किसी एक प्रॉपर थीम से रिलेट करके आती है, ठीक है। जैसे कि मतलब मान लो तुम्हारे पास कोई ओल्ड एज के पेरेंट आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों से बहुत दुखी हूँ क्योंकि मुझे कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा है और वो मेरे साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं और मुझे खाना नहीं पूछा था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। मे बी जो उसके बच्चे हैं वो उतने बुरे नहीं होंगे और जस्ट बिकॉज कि वो अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं इसीलिए उनको टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, बट जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उनको अटेंशन काफी ज्यादा चाहिए होती है और वो ऐसे में काफी लोनली फील करते हैं, तो इसीलिए वो अपने आप स्टोरी बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं क्योंकि ओल्ड एज में आपके पास में और कुछ ऐसा ज्यादा काम होता नहीं। आप ज्यादा न्यूज देखते हो और अगर आपकी आंखें ठीक है तो अखबार पढ़ते हो, बट अगर आपके कान खराब हो गए हैं, आपकी आंखें सही नहीं है, तो बस आपका दिमाग चलता है और आप उसमें कुछ भी सोचते रहते हो, ठीक है।
फिफ्थ सॉरी एफ इज एम्फेसाइजिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट्स एक्सपीरियंस रेदर देन प्रिडिक्टिंग और इंटरप्रिटेटिंग एंड लेबलिंग देम विद सम टेक्निकल टर्म. ठीक है, वही है कि आप उनको एम्फेसाइज करते हो जो भी वो बता रहे हैं उसके एक्सपीरियंस वगैरह पे आप फोकस डालते हो, रेदर देन आप उनको ये बोलो कि सुनो कहानी वानी बाद में सुनाना, पहले जो ये मैं टेक्निक पढ़ के आई हूँ इसको मुझे बताने दो कैसे करना है. ठीक है, टेक्निक्स क्या क्या है इसमें, आप मतलब टेक्निक वैसे नहीं कि मतलब आपको इसको प्लान आउट कैसे करना है. एक्सटर्नलाइजिंग द प्रॉब्लम, रिकंस्ट्रक्टिंग स्टोरी. ठीक है, जैसे मान लो अगर आपको किसी पे स्टोरी वाला नैरेटिव वाला टेक्निक यूज करना है तो उसमें क्या होता है, जैसे कि किसी ने अपने सैड स्टोरी सुना रहा है वो कि मैं बहुत दुखी हूँ, और या फिर वो किसी थर्ड पर्सन को बनाकर सुना रहा है. जैसे वो वाली मूवी थी यार, वो शाहरुख खान और आलिया भट्ट वाली थी, लव यू जिंदगी वाली, उसमें वो स्टोरी सुना रही होती है और वो फिर उसमें उसकी मतलब बात करता रहता है कि पर क्या पता तुम ऐसा कर सकती थी. जैसे मान लो उसमें एग्जांपल दे रखा था कि एक ऑथर है, उसने अपनी कहानी बताई कि मेरी कहानी का बहुत बेकार एंड है और मुझे लगता है कि ये दुनिया की वर्स्ट कहानी है और इसका इससे बेकार एंड नहीं हो सकता. ठीक है, तो आपको एज अ काउंसलर को ये बोलना होगा कि बट क्या पता अगर तुम मतलब कि अगर तुम अपनी कहानी का एंड ये कर दो तो क्या पता तुम वर्ल्ड के बेस्ट ऑथर बन जाओ, क्या पता अगर कहानी में तुम्हारे इसका ये हो जाए तो उसका मतलब तुम कुछ अच्छा उससे एंड निकाल पाओ. ठीक है, क्योंकि ये टेक्निक है स्टोरी वाली, और इसका बेनिफिट ये है कि आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वो होते हैं सॉल्यूशंस, कि मतलब आप स्टोरी मतलब कहीं पे भी जा सकते हो ना, कहीं से भी कुछ भी रिलेट करके आप कहीं से भी लिंक निकाल सकते हो. तो एज अ काउंसलर आपको क्लाइंट के साथ में बेस्ट पॉसिबल वेज का फाइंड आउट करना होता है कि आपको कौन सा जो इसका एंड है वो बेस्ट लग रहा है और क्लाइंट को भी वो कौन सा पसंद आ रहा है. ठीक है, यूनिक आउटकम्स होते हैं और अल्टरनेटिव नैरेटिव्स होते हैं, मतलब आप बहुत सारे नैरेटिव्स निकाल सकते हो. और बाउंड्रीज होती हैं, बाउंड्रीज ऐसा ज्यादा नहीं होती है बट वही है कि मतलब जो भी आपका क्लाइंट है उस चीज के दायरे में आप ऑफकोर्स स्टोरी सुनाओगी. और द लीडिंग रोल, द लीडिंग रोल का मतलब है कि मोस्टली अगर आपको ऐसे कोशिश करनी है कि कोई जो क्लाइंट है उसका कॉन्फिडेंस लूज हो रखा है, वो अपने आपको लूजर समझता है, तो आप उसको लीडिंग रोल दे सकते हो कि मान लो तुम हीरो स्टोरी के तो तुम ये सब कैसे करते. ठीक है, तो वही आप मतलब आप उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हो. की अजम्पशंस क्या क्या है, क्लाइंट एंड प्रॉब्लम, सोर्स ऑफ इन्फो, क्लाइंट्स कॉम्पिटेंसीज, क्लाइंट्स एक्सेप्टेंस, मतलब कि ये सारी वही चीजें हैं कि जिसकी वजह से जो स्टोरी है उसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है. ठीक है, गोल्स एंड स्टेप्स. गोल्स होता है, सबसे पहला गोल है इनवाइट पीपल एंड मेक देम अवेयर अबाउट देयर स्टोरी इन लाइफ. ठीक है, सेकेंड इज मेक क्लाइंट अवेयर ऑफ इम्पैक्ट दैट कल्चर हैज ऑन द पीपल. ठीक है, कई बार कल्चर्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है लोगों पर, उनका मतलब जो पूरा माइंड सेट है वो कल्चर से इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो आपको उनको बताना होगा कि आप कहाँ पे आप बाउंड्री के बाहर जा रहे हो और कहाँ पे आप अपने आप को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हो. ठीक है, एनलार्ज पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ और फाइंड ऑल्टरनेट स्टोरीज. ठीक है, सैड स्टोरीज वाले को मोस्टली होता है कि मतलब पता तो उनको भी होता है सिचुएशन के बारे में कि इसके बाहर वो ये कर सकते हैं, बट वही होता है कि वो काफी दायरों में फंस रखे होते हैं, इसलिए वो उस चीज से बाहर निकल नहीं पाते हैं. स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को नेम करो, सेकंड इज डिस्कसिंग ऑन डेप्थ इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम, थर्ड इज ऑल्टरनेट वे ऑफ लुकिंग एट द स्टोरी. ठीक है, फोर्थ इज इमेजिन चेंज लाइफ, आपको उनको यकीन दिलाना होता है कि मान लो तुम्हारे साथ में ऐसा बुरा नहीं हुआ बट तुम्हारे साथ में ऐसा अच्छा हो गया तो तुम कितने खुश हो और तो तुम्हारी लाइफ कैसी है. ठीक है, फिफ्थ इज एनकरेज द क्लाइंट टू क्रिएट अ न्यू स्टोरी, फिर आप उसको न्यू स्टोरी बनाने के लिए एनकरेज करो. ऐसे में रोल ऑफ थेरेपिस्ट क्या क्या होना चाहिए, अ गुड फैसिलिटेटर, केयरिंग टुवर्ड्स द क्लाइंट, इंटरेस्टेड इन क्लाइंट स्टोरीज. ऐसा नहीं होना चाहिए क्लाइंट आपको कहानी सुना रहा है आप उबासी ले रहे हो या बोल रहे हो तू 2 मिनट रुक मैं आधा घंटा लगा के आया. फोर्थ इज रिस्पेक्टफुली क्यूरियस, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए क्लाइंट बोले एक बार की बात और आप बोलो वाह मजा ही आ गया सुन के, ठीक है, वो उसकी बेइज्जती होगी. फिफ्थ इज शुड नॉट डिस्टर्ब, आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कि यार ये तो छोड़ना तू मेरी सुनना तो मेरी कहानी सुनना है, ये नहीं होना चाहिए. ओपन टू ऑल काइंड ऑफ स्टोरीज, वो कितनी भी फटी हुई बेकार कहानी हो बट आपको फिर भी उसको सुनना ही पड़ेगा. टेक्निक्स क्या क्या होंगी, फर्स्ट इज क्वेश्चनिंग टेक्निक, मतलब कि जैसे स्टोरी एक बार उसे खत्म हो जाती है तो उसके बाद आप उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अच्छा इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ में ये क्या था, उसके साथ में ये क्यों नहीं हो सकता. ठीक है, सेकंड इज एक्सप्लोरिंग एंड डीकंस्ट्रक्टिंग, मतलब वही आप जो थ्योरी स्टोरी है उसको एक्सप्लोर कर सकते हो और आप रिकंस्ट्रक्ट या डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हो. प्रॉब्लम को इम्पैक्ट मैप करो, जो प्रॉब्लम का इम्पैक्ट है वो कितना ज्यादा है और जो पर्सन का कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रॉब्लम को और बढ़ाने में वो कितना है. ठीक है, थर्ड इज सर्च फॉर यूनिक आउटकम्स, फोर्थ इज ऑल्टरनेट स्टोरीज और रीऑथरिंग, और फिफ्थ इज डॉक्यूमेंटिंग द एविडेंस, मतलब कि वही स्टोरी आप लिख के ऑथर को क्लाइंट को दे सकते हो. ठीक है, खत्म भाई खत्म, मजे ही आ गए, बाय.